हे गाइस स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजीज टॉपिक कॉरिनी बैक्टीरियम डिबते रहिए सो कॉर्नी बैक्टीरियम हम देखेंगे इस वीडियो में सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड तो कॉर्नी बैक्टीरियम जो होते हैं ये क्या होते हैं दे आर किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये ये एसिड फास्ट होते हैं नॉन स्पोरिंग होते हैं स्पोर्स नहीं होते हैं नॉन स्पोरिंग होते हैं नॉन स्पोरिंग नॉन मोटाइल बैक्टीरिया तीन टाइप के होते हैं मेनली तो कॉर्नी बैक्टीरियम बै कॉर्नी बैक्टीरियम आर ऑफ थ्री टाइप्स ग्राविस इंटरमीडियस एंड माइटिस ग्राविज़ इंटरमीडियस एंड माइटिस मॉर्फोलॉजी और कॉर्नी बैक्टीरियम की मॉर्फोलॉजी देखें तो ये थिन होते हैं स्लेंडर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाय होते हैं थिन स्लेंडर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाय थ्री टू सिक्स माइक्रोमीटर लेंथ में होते हैं ये और पॉइंट सिक्स पॉइंट एट माइक्रो इन माविड सो मॉर्फोलॉजी वी सी सो दे आर थिन स्लेंडर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाय तो कॉर्नी बैक्टीरियम जो होते हैं वो थिन सिलेंडर ग्राम पॉजिटिव बेसिले होते हैं थ्री से सिक्स माइक्रोमीटर लेंथ होती है इनकी और पॉइंट सिक्स से पॉइंट एट माइक्रोमीटर माइक्रोन विद्थ होती है इनकी कैप्सूल नहीं होता है इनके और ये मोटाइल भी नहीं होते नॉन स्पोरिंग होते हैं ये जो है इनके अंदर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं आपको कॉर्नी बैक्टीरियम में ये ग्रेन्यूल्स कैसे दिखने कॉर्नी बैक्टीरियम को अगर आप देखोगे तो वो आपको उसके अंदर ग्रेन्यूल्स दिखेंगे ये ग्रेन्यूल जो आपको ब्लूइश पर्पल कलर के देखने को मिलेंगे जब इनको मिथाइलिन ब्लू से अगर स्टेन करोगे आप इनको मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करोगे इनको कॉर्नी बैक्टीरियम को तो आपको इसके जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल इन से हम आपको ब्लूइश पर्पल देखने को मिलेंगे, तो so इनको हम और क्या बोलते हैं आ, ये जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुइल्स हैं इनको हम ऑल्सो बोलते हैं बेब्स्ट तो, बेब्स अर्न्स ग्रेनुइल्स तो so, हमको इसको और क्या बोलेंगे बेब्स अर्नस ग्रेन्यूल्स या फिर हमको वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हैं तो ये मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्युल्स को हम बेब्स अर्नस ग्रेन्युल्स भी बोलेंगे या फिर वॉल्यूटिन ग्रेन्युल्स भी बोलेंगे ये जो बेसी है द ये जो बेसिलाई है ये यूजअली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं यूजली सीन इन एंगुलर फैशन की मतलब किस तरह से देखने को मिलते हैं किस वे में देखने को मिलते हैं आपको एंगुलर फैशन में देखने को मिलेंगे जो रिसेंबलर करेंगे लेटर्स वी या एल विच रिसेंबलिंग द लेटर्स वी और एल ये जो है दिस हैज़ बिन कॉल्ड द चाइनीज लेटर या फिर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ये जो वी और एल टाइप का जो आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है इसको आप चाइनीज़ लेटर या क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट बोलते हो ये जो होता है किस वजह से इट इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स ये इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ़ डॉटर सेल्स की वजह से आपको देखने को मिलता है आफ्टर बाइनरी फिजन सो इट इज़ ड्यू टू द इनकम्प्लीट आपको जो चाइनीज लेटर अपीरेंस है जो क्यूनिफॉम अरेंजमेंट है ये कॉर्नीबैक्टेरियम का किस वजह से देखने को मिलता है इट इज़ इंपॉर्टेंट क्यों होता है ऐसा अपीरेंस इट इज़ ड्यू टू द इकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ़ द डॉटर सेल्स आफ्टर बाइनरी फिजन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक देखें हम इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसको कल्चर करने के लिए आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस चाहिए ऑप्टिमम पीएच आपको हल्का सा स्लाइटली बेसिक थर्टी सेवन पॉइंट टू चाहिए आपको न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा और कल्चर मीडिया कल्चर मीडिया कौन से हो गए जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस सीरम वाटर लोएफ्लर सीरम स्लोप टेल्यूराइड ब्लड अगार मीडियम तो ये सब आपके कल्चर मीडिया हो गए हिस सीरम वाटर लोए फ्लर सीरम स्लोप टेल्यूराइड ब्लड अगार मीडियम ये सब कल्चर मीडिया आ गए उसके अलावा आते हैं बायो केमिकल रिएक्शन कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आएंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस सो so, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन हिज सीरम जो है मीडिया फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर इन हिज सीरम मीडिया जो है विद प्रोडक्शन ऑफ एसिड ऑनली पैथोजेनिक डिपथीरिया जो फर्मेंट करेगा सुक्रोज एंड मैनेटोल को पैथोजेनिक डिप्थीरिया फर्मेंट सुक्रोज एंड मैनीटोल स्टार्ज एंड ग्लाइकोज़न फर्मेंटेशन स्टार्ज एंड ग्लाइक्रोजन फर्मेंटेशन ग्रावीज़ फर्मेंटेशन बोथ इंटरमीडियट्स एंड माइट्रज डज नॉट फर्मेंट एनी ऑफ दैम जो इंटरमीडियट्स और माइट इंटरमीडियट्स और जो ग्रावीज है वो उसको फरमेंट नहीं करेगा डजन नॉट फर्मेंट एनी ऑफ दैम नाइट्रेड डिडक्शन जो है वो पॉजिटिव आता है नाइट्रेड डिडक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन में इसके अंदर जो नाइट्रो रिडक्शन आता है वो पॉजिटिव आता है हाइड्रोजन सल्फाइड आता है वो भी पॉजिटिव आएगा सो so, आपने क्या क्या देखा बायोकेमिकल रिएक्शन में शुगर फर्मेंटेशन हिस्सम में होगा और उसके अंदर एसिड बनेगा डिप्थीरिया पैथोजेनिक डिपथीरिया फर्मेंट कर देंगे सुक्रोज और मेरीरोल को स्टार्च और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा नाइट्रेट रिडक्शन अगर आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड है वो पॉजिटिव होगा टॉक्सिनस सींग द टॉक्सिन स्ट्रेन जो हैं ये जो स्ट्रेन्स हैं ज्यादातर मोस्ट वाइडली यूज होते हैं टॉक्सिन बनाने के लिए इस जो स्ट्रेन आपके सबसे ज्यादा टॉक्सिन बनाने के लिए क्रॉस्टीडियम कॉर्नी बैक्टीरियम के आपको जो टॉक्सिन बनाने के लिए काम में आते हैं स्ट्रेन विच इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर द टॉक्सिन प्रोडक्शन कौन सा है पार्क विलियम्स एट स्ट्रेन सो द स्ट्रेन विच आर मोस्ट वाइडली यूज फॉर द टॉक्सिन प्रोडक्शनियम एट स्ट्रेन जो टॉक्सीजनिटी और डिप्थी है उसके अंदर टॉक्सजीन पे अगर वो बैक्टीरिया टॉक्सिक होगा कितना टॉक्सिक है टॉक्सीजेसिटी उसकी डिपेंड करेगी टॉक्सजीन के प्रेजेंस पर लाइसोजेनिक अलावा आता है टॉक्सजीन हमने देखा उसके अलावा आएगा नेक्स्ट लाइसोजेनिक या फेस कन्वर्जन सो नॉन टॉक्सिक स्ट्रेन जो होते हैं वो आपके रेंडर्ड हो सकते हैं टॉक्सीजेनिक जो मान लो स्टेन सारे स्ट्रेन टॉक्सिक होता है जो नॉन टॉक्सिक स्ट्रेन है उसको आप टॉक्सिक टॉक्सिजेनिक बना सकते हो आप इट कुड भी रेंडर टॉक्सिजेनिक और अगर उनको हम इन्फेक्ट करेंगे बीटा बीटा फेस से दैट इज़ बैक्टीरियो फेस से अगर आप इन्फेक्ट करोगे सो दिज नॉन टॉक्सिक स्ट्रेन कुड भी इन्फेक्टेड इफ़ यू गो इफ यू गो ना इन्फेक्टेड विद द बीटा फेज बैक्टीरियो फेज सो इट इज अ लाइसोजेिक फेस कन्वर्जन के आपने रोबोट क्या हुआ लाइसोजेनिक ए फेस कन्वर्जन इन द सेंस कि आपके जो नॉन टॉक्सिक स्ट्रेन से आपने भी उनको इन्फेक्ट कर दिया बीटा फेस से इन्फेक्ट करा के आपने उसको टॉक्सिक कर दिया सो दैट इज एंड उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज़ क्या आती है इसके प्रॉपर्टीज क्या है ये जो कॉर्निबेक्ट ये जो है ये प्रोटीन है इट इज अ प्रोटीन मॉलिकुलर वेट कितना होता है इसका सिक्सटी टू थाउजेंड सिक्सटी टू थाउजेंड का होता है दो फ्रेगमेंट होते हैं जिसके अंदर ट्वेंटी फोर थाउजेंड का एक और थर्ट एट थाउजेंड का एक जो ए प्लस बी सिक्सटी टू थाउजेंड का होता है ये ए जो है सेगमेंट इसका दो फ्रेगमेंट जो होते हैं उसमें फ्रेगमेंट ए जो होता है इसकी एन्जाइमेटिक एक्टिविटी के लिए काम करता है और बी वाला जो है वो बाइंड करता है टॉक्सिन को रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द टॉक्सिन टॉक्सिन को बाइंड कराता कर है सेल्स के साथ तो ऐसे दो प्रॉब्ल दो, दो फ्रेगमेंट्स होते हैं इसके ए और बी ट्वेंटी और थर्टी के एंड देन देयर कम्स द मोड ऑफ एक्शन हमने प्रॉपर्टीज़ देखी इसके उसके अलावा हम इसके देखेंगे मोड ऑफ एक्शन तो ये जो है क्या काम करता है मतलब किस तरह से काम करता है ये इनिबिट कर देता है पॉलीपेप्टाइड चेन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन एलोंग जो एलोंगेशन होता है उसको इनिबिट कर देता है उसको रोक देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडी बाई इनएक्टिवेटिंग द इलोंगेशन फैक्टर फैक्टर को इनएक्टिवेट in, कर देगा ई एफ टू सो ये क्या करेगा इनिवेट करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन की इलोंगेशन को इन द प्रेजेंस ऑफ एनएडी बाय इनएक्टिवेटिंग द इलोंगेशन फैक्टर ई एफ टू रेजिस्टेंस देखें इसका तो किससे रेजिस्टेंट है ड्राइंग से रेजिस्टेंस है इज रेजिस्टेंट टू ड्राइंग हैल्सो ये क्वाइट ससेप्टेबल है पेनीसिलिन के लिए इट इज क्वाइट ससेप्टेबल टू द पेनिसिलिन एरेथ्रोमाइसिन एंड ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये ससेप्टेबल है पेनीसिलिन के लिए एरेथ्रोमाइसिन के लिए एंड ब्रोड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से अब ससेप्टेबल है लाइक मतलब उनसे ससेप्टेबल है और ड्राइंग से रेजिस्टेंट है मतलब ट्राई करने पर रेजिस्टेंट रहेगा ये पैथोजेनेसिस हम देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका इस कॉर्नी बैक्टीरियम का जो इंक्यूबेशन है वो से चार दिन का होता है also, ये जो है वो क्लिनिकल टाइप्स का होता है कॉर्नी बैक्टीरियम आपको अलग अलग क्लिनिकल टाइप्स का देखने को मिल जाएगा इसका से चार टाइप का और और क्लिनिकल टाइपइंगलियल लेरेंजियल मतलब बेसिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप देखें तो फॉर्शियल हो गया ओटाइटिक वल एंड क्यूटेनियस ये इसके टाइप्स हो गए क्लिनिकल टाइप्स हो गए इसके ऑल्सो टॉक्सिन जो होता है वो हैज़ बोथ लोकल एज वेल एज सिस्टम अफेक्ट तो जो टॉक्सिन है इस टॉक्सिन के लोकल और सिस्टमिक अफेक्ट दोनों हो सकते हैं टॉक्सिन टॉक्सिनज बोथ द लोकल एज वेल एज सिस्टमिक अफेक्ट्स लोकल इफेक्ट्स क्या है टॉक्सिन के जो बैक्टीरियल टॉक्सिन है जो टॉक्सजीन के जो टॉक्सिसिटी है टॉक् तो, तो इसके लोकल इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं तो बेसिलाई है, जो है लोकल इफेक्ट्स में कि जो बेसिला है वो कन्फाइंड रहता है साइट ऑफ एंट्री जहाँ से आया है वहीं पे रहता है तो वो कन्फाइंड रहता है बेसिलाई रिमेन कन्फाइंड टू द साइट ऑफ एंट्री ये जो है लोकल नेक्रोटिक चेंजेस कॉज करता है अलॉन्ग विद सुपरफिशियल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सो इट कॉजेज द लोकल नेक्रोटिक चेंजेस लोकल नेक्रोटिक चेंजेस कॉज करता है अलॉन्ग विद अ सुपरफिशियल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सिस्टमिक अफेक्ट्स क्या होता है सिस्टमिक अफेक्ट्स का देखने को मिलते हैं जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है ये डिफ्यूज कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में और टॉक्सीमिया कॉज करता है सो so, ये डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगा मतलब ऑल ओवर सिस्टमिक लोकल अफेट पर्टिकुलर एक ही जगह पर जहाँ से एंट्री हुई है जहाँ पे बेसिलाई जो है जहाँ से इसकी एंट्री हुई है वहीं पर आ रहेगा वहाँ पर चेंजेस वहाँ पर नेक्रोटिक चेंजेस करेंगे इन्फ्लेमेटेशन कॉज करेगा वहाँ पर जो बैक्टीरिया है और सिस्टमिक अफेक्ट्स में क्या होगा ये जो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन है ये डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में और ऑल ओवर इसके अफेक्ट ऑल पूरी बॉडी में ऑल ओवर टॉक्सीम निय देखने को मिलेगा तो ये इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स हो गए देन देयर कम द लेबोरेटरी डायग्नोसिस लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या आएगा कि इसके अंदर आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विरियुलेंस टेस्ट इसके बाद आएंगे इसके आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गनिजम लेबोरेटरी टेस्ट में दो चीज़ आएंगी आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द वीरूलेंस टेस्ट आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले आएगा आप स्पेसिमिन कलेक्ट करोगे आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पेसिमिन का कलेक्शन करोगे फिर आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करोगे स्पेसिमिन आपने कलेक्ट कर लिया माइक्रोस्कोपी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कल्चर करोगे कल्चर के बाद आप आल्सो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड स्टेनिंग सो लेबोरेट्रीज में हमने आइसोलेशन करते हैं वीरुलेंस टेस्ट करते हैं और आइसोलेशन में हमने क्या देखा कि कॉलोनी मॉर्फोलॉजी स्टेनिंग अल्बर्ट ग्राम स्टेनिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस सो वह सबसे पहले स्पेसिमिन कलेक्ट करोगे उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे फिर आप उसका कल्चर करोगे कल्चर में जो कॉलोनी है उसको स्टडी करोगे कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी कैसी है स्टेन करोगे उसको फिर की कॉलोनी जो है उसको स्टेन करोगे बायोकेमिकल रिएक्शंस लाइक हिस सीरम वाटर इज यूज सो ये आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेजम्स मांगाए सेकंड आइए इसके अंदर वीरुलेंस टेस्ट आएंगे वीरुलेंस टेस्ट बेसिकली उसकी पैथोजेनेसिटी की कितने वो, वो वीरुलेंट है ऑर्गेनिज्म कितना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वीरुलेंट है तो इन इन वीवो टेस्ट आते हैं इन वीवो टेस्ट आते हैं इसके अंदर और एक इन विट्रो टेस्ट आते हैं सो व्युलेंट टेस्ट के अंदर दो टेस्ट आएंगे फर्स्ट इज इन वीवो टेस्ट सेकेंड इज इन विट्रो टेस्ट इन वीवो टेस्ट जो होते हैं वो एक सब क्यूटेस होते हैं इंट्राक्यूटेनियस होते हैं इन विट्रो टेस्ट जो होते हैं उसके अंदर आएगा एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट सो इन विट्रो टेस्ट के अंदर हमारे आएगा एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट इन वीवो टेस्ट के अंदर आएगा सब क्यूटेस टेस्ट इन इंट्राक्यूटेस इन वो टेस्ट के अंदर क्या सब क्यूटेस इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट और इन विट्रो के अंदर आएगा एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट दो टेस्ट आ गए वीर टेस्ट में देन देयर कम द प्रोफाइलेक्स प्रोफाइलेक्स के अंदर आपकी

एंटी डिप्थेरिक सीरम एंड एडी एस इज एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली पाँच सौ से हज़ार यूनिट एंटीटॉक्सिन की जो एंटी डिपथीरिया टॉक्सिन है उस सीरम की वो आपके एमरा सबक्यूटियसली अर्जेंट अर्जेंट केसेज में लगेगी एमरजेंसी मेजर है सो उसके बाद आएगा कंबाइंड इम्यूनाइजेशन कंबाइंड इम्यूनाइजेशन में क्या होगा एक एलम कंप्यूटर कंटेनिंग एक तो हमने देखा एक्टिव इम्यूनाइजेशन पैसिव इम्यूनाइजेशन एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो मेनली आप करते हो डीपीटी वैक्सीन लगती है ट्रिपल पेंटावेलेंट वैक्सीन लगेगी उसके अलावा पैसिव इम्यूनाइजेशन एक्टिव एमरजेंसी मेजर है जिसमें एंटीटॉक्सिन एंटीडीरिया लगता है आपके पाँच से हज़ार यूनिट उसके अलावा आता है कंबाइंड इम्यूनाइजेशन ये क्या होगा एलम कंटेनिंग प्रिपरेशन जैसे एलम का प्रेसिपिटेड टॉक्साइड जो होता है एक मतलब कोई एलम कंटेनिंग प्रिपेरेशन जैसे आपकी एलम प्रिस्बेटेड टॉक्सोइड इसको आप प्रेफर करोगे कंबाइंड इम्यूनाइजेशन के लिए इसको आप कंबाइंड इम्यूनाइजेशन के लिए प्रेफर करोगे एज जो प्लेन फॉर्मल टॉक्सोइड होता है उसका कुछ कम कंपेरेटिवली अनसेटिस्फेक्ट्री देखने को मिलता है जब उसको एंटी के साथ दो जब आप एंटी के साथ दोगे तो उसका रिजल्ट कंपेरेटिव अनसेट्सफेक्ट्री देखने को मिलता है इसलिए कंबाइंड इम्यूनाइजेशन यूज़ करेंगे आप क्योंकि जो प्लेन फॉर्मल टॉक्सॉइड दोगे आप तो आपको इतना बेटर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू कंबाइंड इम्यूनाइजेशन

देयर में भी फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शन चार टाइप्स की रिएक्शन आपके देखने को मिलती हैं इसके अंदर चार टाइप्स की रिएक्शन होती है शिक टेस्ट में पॉजिटिव रिएक्शन आती है नेगेटिव रिएक्शन सोलो रिएक्शन एंड कंबाइंड रिएक्शन सो देयर में भी फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन दिस शिक टेस्ट पॉजिटिव कितनी रिएक्शन आती है शिक टेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव कंबा पॉजिटिव नेगेटिव सोलो रिएक्शन एंड कंबाइंड रिएक्शन सो चार टाइप्स की रिएक्शन आती है ट्रीटमेंट क्या आएगा ट्रीटमेंट जो है आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा शट भी स्टार्टेड आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए कॉर्नी डिप्थीरिया जो है वो पेनिसिलिन से सेंसिटिव होता है एरिथ्रोमाइसिन से सेंसिटिव होता है और कुछ अदर एंटी अदर एंटीबायोटिक्स भी होती है जिससे भी कॉर्नी बैक्टीरियम होता है वो आप यूज़ कर सकते हो उससे सेंसिटिव है दे गोट किल्ड बाय इट जब वेन अ केस इज सस्पेक्टेड जैसे डिप्थीरिया का को, अगर कोई केस आया तो एंटी डिप्थीरिक सीरम जो है उसको इमीडिएटली देना चाहिए आपको जैसे मान लो आपके पास कोई डिप्थीरिया का केस आ गया तो आपको तुरंत एंटी डिप्थीरिक सीरम इंजेक्ट करना चाहिए उसके अंदर एज क्योंकि मोर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज होती है अगर आप डिले करते रहोगे एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट में आपने उसका एंटी उसको डिप्थीरिया हो रहा है आप उसको एंटीटॉक्सिन देने में डिले करते रहोगे तो उसके मरने की रेट जो है कि मतलब उसकी चांसेस जो है वो मरते रहेंगे मोटिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज होती रहेगी देन देयर कम्स द डिपथीरोइड्स डिप्थेराइड जो होता है वो कमेंसल जो कमेंसल कॉर्नी बैक्टीरियम जो होते हैं वो कई बार मिस्टेकली हम उसको कॉर्नी बैक्टेरियम डिपथेरे समझ लेते हैं जो कुछ कमेंसल से मैंने कहा ना कॉर्नी बैक्टेरियम अलग अलग आते हैं उसमें हम कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरे जो है वो मेनली पढ़ रहे हैं तो कमेंसल कॉन कुछ कमेंसल कॉर्नी बैक्टीरियम स्पीशीज हैं उसको भी कई बार हम मिस्टेकली कॉर्नी बैक्टेरियम डिपथीरी समझ लेते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं डिप्थेरॉइड्स डिपथेरॉड कं बोलते हैं ना फॉल्स डिपथेरे जो है मतलब इस काइंड ऑफ वेस है तो कमेंसम कॉर्नी बैक्टीरियम को हम कई बार डिपथीरी कॉर्नी बैक्टीरियम हम डिप्थीरी समझ लेते हैं इनको हम क्या बोलते हैं डिथेराइड्स और एग्जाम्पल क्या आ गए जैसे डिप्थेरॉड्स के एग्जाम्पल डिप्थेरॉइड्स के हमारे एग्जाम्पल है जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम जीरोसिस कॉर्नी बैक्टीरियम सूडोडिप्थीरियम सूडोडिप्थीरिकम एंड जिसका हम कॉर्नी बैक्टेरियम हॉफ मैनी भी बोलते हैं इसके अलावा डिप्थीरोइड जो होते हैं ये कुछ या फिर कोई मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलते हैं या तो कॉर्नी डिप्थेरॉयड जो होते हैं जो फे जो फॉल्स या कम जो बेसिकली कमेंजल कमेंजल कॉर्नी बैक्टेरियम होते हैं इसके अंदर आपको या तो कुछ या फिर एक भी मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा ये आपके पहली सेड्स में अरेंज होते हैं सो कॉर्नी बैक्टीरियम जो जो बेसिकली कॉर्नी बैक्टेरियम कमेन्सल जो हैं कमेंजल्स कॉर्नी बैक्टेरियम हैं या जिसको हम इन द सिंपल लैंग्वेज हम डिप्थीरोइड्स बोल रहे हैं तो डिप्थेरॉयड जो है आपके पहली सीड्स में अरेंज होते हैं पैरेलल रोज में पहली सीड्स द देंस के लिए वो पैरेलल रोज में अरेंज है आपके रेदर देन को एक चाइनीज लेटर पैक पैटर्न में तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये आपको जो पहले सीड्स में देखने को मिलेंगे पैरेलल रोज में चाइनीज लेटर में नहीं देखने को मिलेंगे वैसे एकदम एक, एक जैसे लगते हैं लेकिन ये पैरेरल रोज में होंगे रेदर देन चाइनीज लेटर पैटर्न सो so, ये हमने देखा कि जो कॉर्नी बैक्टेरियम थे वो चाइनीज लेटर पैटर्न में कॉर्नी बैक्टेर जो ऑल ओवर हैं वो चाइनीज लेटर में होंगे लेकिन ये जो है वो पैरेलल रोज में होंगे उसके अलावा हमने ये वाला टॉपिक हमने देखा जिसके अंदर हमने इम्यूनाइजेशन देखा एक्टिव पैसिव एंड ऑल्सो कम्बाइंड इम्यूनाइजेशन देखा पैथोजेनेसिस रेजिस्टेंट किस तरह से एक्ट करता है मोड ऑफ एक्शन देखे उसके टॉक्सिक प्रॉपर्टीज देखी टॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शन देखा आपने किस तरह से करता है पॉलिपेप्टर चेन को इलॉगेशन को इनिबिट करता है एन ए की प्रेजेंस में इनएक्टिवेट करता है फैक्टर को लेंस टेस्ट देखे आपने इन विट्रो टेस्ट देखे प्रिसिपिटेशन टेस्ट और भी आपने आइसोलेशन किस तरह से होगा सिस्टम एक लोकल इफेक्ट जो है लोकल इफेक्ट्स में वो बेसिल है वहीं जो साइट ऑफ एंट्री पर कंफाइंड करेगा वहीं पर इन्फ्लेमेशन और चेंजेस कॉट्स करेगा नेक्रोटिक सिस्टमिक इफेक्ट्स में क्या होगा पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड के थ्रू और टॉक्सीमिया कॉज करेगा उसके अलावा आपने मॉर्फोलॉजी में ये जो स्टेन है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो है उनको आपने क्या बोला था बेब्स ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं या वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं उसके अलावा आपने टेम्परेचर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और उसके अलावा आपने लाइसो का क्या फेस कन्वर्जन देखा कि नॉन टॉक्सिक को भी आप टॉक्सिक में बना सकते हो उसको अगर इन्फेक्ट किया जाए बैक्टीरियो फेस से सो बायोस के बायो के अलावा बायोकेमिकल केमिकल रिएक्शंस देखी सो दिस इज ऑल विद रेस्पेक्ट टू द कॉर्नी बैक्टीरियम आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कॉर्नी बैक्टीरियम तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ऑल्सो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूरा आउट पूछ सकते हो या मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ऑल्सो इन द यूट्यूब अबाउट सेक्शन आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो सो बाय गाइस कीप लर्निंग कीप स्टडिंग मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ